बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास 10 जनरल मैथ। हम जो है वो कर रहे थे और आज जो है वो इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.2 और इसके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6। ओके, ये टोटल जो है वो 12 हैं, 12 हैं, तो हम 1, 2, 6 जो है वो क्वेश्चन जो है वो आज इनको जो है करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर साथ साथ मैं बताता जाऊंगा अब आपको कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये ज़्यादा जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको देख लेना है। साथ साथ मैं गैस भी दूंगा इंशाल्लाह, जैसे कंप्लीट होता है फिर ज़बरदस्त इसकी जो है वो गैस की जो है वो वीडियो बनेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपने अपने साथ जो है वो इसको बुक को रख लेना है, टेक्स्ट बुक है आपकी, इसको आपने अपने पास रख लेना साथ, ताकि जो है वो हमें पता चलता जाए कि रकम वगैरह जो है हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पहले दिन मैंने आपको चैप्टर शुरू कराने से पहले बात बताई थी कि आपने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो याद करने हैं। अगर फार्मूले आपको याद होंगे तो आप जो है वो कर सकेंगे, अदरवाइज जो है वो रटा भी जो है वो आपसे नहीं लगेगा, ठीक है। उसने कहा कि जुज ज़रबी बनाएं, यहाँ अजजाए ज़रबी बनाएं। तो आप देखें यहाँ पर हम ए जमा बी वाला फार्मूला और उसकी जगह अब यूज़ होगा एक्स जमा जो है वो वाई का स्केयर वाला फार्मूला, तो वही इस्तेमाल होगा। उसको इस्तेमाल करने से पहले हमने क्या करना है, इनको इधर वाली साइड जो है वो क्वेश्चन की, उसको हमने जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। एक्स का स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई का स्केयर। अब आपको आ गया होगा कि ये वही है जो हमने पहले फार्मूला याद किया हुआ है। अब आपने करना है कि इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन हम कैसे करते थे वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। एक्स का स्केयर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस वाई का स्केयर, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देना, माइनस, ये लामत ऐसी आएगी माइनस की, ठीक है। आप देखें ये वही फार्मूला बन गया। तो हमने जो है वो इसको क्या करना है, अब हमने जो है बेटा इसको लिख देना है एक्स जमा वाई का स्केयर माइनस ये ए का स्केयर, इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मनफी है, ठीक है, ए को एक दफ़ा आपने जमा एक दफ़ा माइनस करना है, और इधर भी स्केयर है और इधर भी स्केयर है। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफी करते होते हैं। एक्स जमा वाई प्लस ए, ये वाला, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक्स जमा वाई ये वाला माइनस जो है वो इधर आ जाएगा और इसको ए लिख देंगे और ये इसका जो है वो आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखें, यहाँ पे ले रकम 4a का स्केयर माइनस 4ab प्लस बी का स्केयर माइनस 9c का जो है वो स्केयर। अब आपने करना है वही, ये वाले दाद जो है वो इनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। 4a का स्केयर माइनस 4ab प्लस बी का स्केयर, ब्रैकेट बंद, और माइनस 9c, इसी तरह आप जो है वो लिख लें। अब जो है वही फार्मूला लगाना है हमने a माइनस बी वाला, और यहाँ 2a माइनस बी वाला, ठीक है। जब फार्मूले करेंगे फिर ही पता लगेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, 2a, दो दो चार होते हैं ना, तो उसका स्केयर आ गया, ठीक है। अब ये चार है, इधर क्या आएगा, 2a, और यहाँ पर आएगा हमारे पास b आएगा, प्लस b का स्केयर, ब्रैकेट बंद, और ये 3c का जो है वो स्केयर आ जाएगा। अब देखें ये कुलिया हमारे पास मौजूद है, हमने इसको जो है वो अब लिख देना है, क्या आएगा, 2a माइनस b का स्केयर और माइनस ये क्या आएगा, 3c का जो है वो स्केयर। इधर भी स्केयर है, इधर भी स्केयर है,
और अब आपने करना क्या है कि इस वाली जो है वो रकम को आपने जो है एक दफ़ा प्लस और माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि स्केयर भी हमने ख़त्म करना है। क्या आएगा हमारे पास, 2a-b प्लस 3c, एक दफ़ा जमा हो गया, a माइनस है तो माइनस रहेगा, 2a-b और फिर जो माइनस 3c, ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, एक्स का स्केयर आ गया हमारे पास प्लस 6 ए एक्स आ गया प्लस 9 ए स्केयर माइनस 16 बी का जो है वो स्केयर आ गया। अब आपने करना क्या है कि इधर वाले आदाद को आपने जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। कहेगा एक्स का स्केयर प्लस 6 ए एक्स प्लस 9 ए का जो है वो स्केयर माइनस 16 और बी का स्केयर। अब आपने जो है वो फार्मूले को ओपन करना है, ठीक है, फार्मूले को आपने ओपन करना है। इधर जो क्या आएगा बेटा, एक्स का स्केयर, फिर आएगा प्लस, क्योंकि ये 6 है, 2x और हमारे पास आएगा इधर 3a, 3 2 6 होता है ना, फिर आएगा 3a का जो है वो स्क्वायर, क्योंकि ये 9 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आता है, ठीक है। अब इसको जो है वो आप ब्रैकेट में बंद कर दें, और ये 16 है, 4 ज़र्ब 4 16 होता है, और ये बनेगा 4b का स्केयर, ठीक है, इस तरह यानी कि आप देख लें। फिर अब हम इनको शॉर्ट में लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास, एक्स जमा 3a का जो है वो स्केयर, ठीक है, ऊपर आ गया, माइनस ये वाला 4b का जो है वो स्केयर आ गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसको एक दफ़ा जमा एक दफ़ा माइनस में जो है वो लिख देना है। कैसे लिखना है वो अब देखें, एक्स जमा 3a जमा ये वाला 4b, और ये एक्स आ गया जमा 3a, और एक दफ़ा माइनस मैंने कहा था लिखना है आपने 4b, और ये जो है वो इसका आंसर इस तरह आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ही इसी जो है वो चेंजिंग है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, कुलिया है वो मैं आपको पहले बता दूं। ए का स्केयर माइनस जो है वो बी का स्केयर, ए जमा बी ब्रैकेट बंद, ए माइनस बी, और ये जो है वो इसका कुलिया है जो इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर हम 4 लिखते हैं, क्या है जी हमारे पास, वाई का स्केयर माइनस सी का स्केयर प्लस 2 सी एक्स माइनस एक्स का जो है वो स्केयर, ये लिख लिया। अब बेटा यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सी का स्केयर 2 सी एक्स हमने जो है वो एक तरतीब बनानी है। तरतीब जब बनानी है हमने इधर वाली साइड को लेना है, ये वाली, क्या आएगा वाई का स्केयर माइनस, और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर लेना है जैसे हम पिछले जो है वो सवालों को करते थे, उसी तरह हमने जो है वो इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। अगेन वही प्रोसेस जो है वो, इधर कुलिया लगाना है आपने, वाई का स्केयर ले लेना है माइनस, और इधर जो है वो अब आप देखें कि क्या आएगा, सी का स्केयर, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास माइनस 2 सी एक्स प्लस एक्स का जो है वो हमारे पास स्केयर आता है, यानी कि ये जो है वो इसका हमने कुलिया ओपन किया है। और अब आपने करना क्या है कि वो वाई का जो है वो स्केयर इस तरह आ जाना है नीचे, और ये आ जाएगा हमारे पास सी माइनस जो है वो एक्स का जो है वो स्केयर। अब आप वही फार्मूला याद करें, यहाँ ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए जमा बी और ए माइनस बी हम करते थे, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा हमने माइनस कर देना है, ठीक है, इजी सिंपल है। आपने करना क्या है कि ये वाला वाई आपने जो है वो इधर लगा देना है, ठीक है, और सी इधर एक दफ़ा नफिया, तो एक दफ़ा आपने जो है वो इधर जमा करना है, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, सी माइनस एक्स ब्रैकेट बंद
इधर जमा है तो एक दफ़ा आपने क्या करना है, मैंने कहा नफ़ी करना है, फिर अगेन वाई, ये वाला वाई आ गया, ठीक है, माइनस आ जाएगा इधर, सी माइनस एक्स, और यहाँ पर देखें आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आपने इसको ओपन करके जो है वो लिख लेना है, छोटी जो है वो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, वाई प्लस सी माइनस एक्स, और फिर क्या आएगा हमारे पास, वाई माइनस सी, नफी नफी जमा हो गया, वाई एक्स, ठीक है, ये देखे ना, वाई प्लस ये प्लस 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 इधर आ गया, सी माइनस एक्स वाई, ये नफी अंदर जाकर जमा हो जाएगा, ये इस तरह आपने जो है वो कर लेना है। फिर आपने करना क्या है कि इसको तरतीब देनी है, क्या देनी है, तरतीब देनी है, तरतीब से जो, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स जमा सी वाई जमा एक्स माइनस जो है वो सी, इस तरह भी आप जो है वो इसको लिख सकते हैं। सारा क्वेश्चन एक दफ़ा देख लें, पहले आपने इधर वाली साइड को ब्रैकेट के अंदर बंद, फिर वही कुलिया लगाया, वाई का ऐसे ही आ गया, ये देखें ठीक है, और एक दफ़ा मैंने इसको जमा कर दिया, एक दफ़ा इधर माइनस कर दिया, ठीक है, फिर ओपन करके छोटी ब्रैकेट में लिख दिया, और ये यहाँ से आपने ज़रा ध्यान से करना है कि अंदर माइनस था ये जमा हो जाएगा, ठीक है, और बाद में मैंने तरतीब देख के लिख दिया, और ये इसका जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 की जान में चले जाएंगे जी। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x का स्क्वायर, इधर वाली जो लेफ्ट साइड को आपने जो है इन अदाद को आपने इधर लिख देना ब्रैकेट के जो है वो अंदर, ठीक है, इक्वल का निशान लगाने के बाद एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, तरतीब दे देनी है आपने, ठीक है, y और प्लस जो है वो y का स्क्वायर माइनस 4x, और इधर ना एक्स वाई का भी जो है वो स्क्वायर आता है, एक्स का स्क्वायर और जो है वो वाई का स्क्वायर। अब आपने करना क्या है कि ये वही चीज़ बन गई, आप अपने कुलिया जो है वो ओपन करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट बंद माइनस 2x वाई का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने इसको जो है वो कुलिए की शक्ल में लिख देना है, एक्स प्लस वाई का जो है वो स्क्वायर मनफी 2x वाई का जो है वो स्क्वायर। अब इधर माइनस है ना, तो आपने एक दफ़ा जो है वो जमा और एक दफ़ा जो है वो इसको मनफी में कर देना है, क्या आएगा, एक्स जमा वाई जमा 2x वाई, ये वाला, ठीक है, और अब एक्स जमा वाई नफी 2x वाई, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा जो है वो नफी में बदल गया, ठीक है, इस तरह आपने सारा जो क्वेश्चन करना है देख लें एक दफ़ा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 9a का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, अगेन वही तरीकाकार, आपने ब्रैकेट में बंद कर लेना, ए का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b का जो है वो स्क्वायर माइनस 9ac का जो है वो स्क्वायर, ठीक है, अगेन ये कुलिया आपने जो है वो ओपन करना है, ठीक है, ओपन करने के बाद मैंने सारा जो है वो तरीका आपको बताया हुआ है, इस तरह आपने इस क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको समझ आ गई होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, फ़ी मानिल्ला, अस्सलाम वालेकुम।